गोंडा में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पहले आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आरोपी का इलाज चल रहा है। मौके से पुलिस ने आरोपी के पास एक देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि एसिड अटैक के आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज थाना परसपुर में एक अभियुक्त पंजीकृत हुआ है, जिसमें 3 बच्चियों के साथ एसिड जैसा केमिकल डाला गया है उनके ऊपर, और वो जो है एक जिसमें बच्ची काफी चेहरे पर उसको 15-20% वो जल गई थी। उसमें अभी पुलिस द्वारा जब विवेचना की गई है, तो एक आशीष और छोटू उसी गांव का रहने वाला है, और उसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। पुलिस आशीष और छोटू की तलाश में थी, और अभी शाम के समय लगभग 9:45 के आसपास एसओजी टीम और थाना परसपुर पुलिस की टीम जब यहाँ उसकी तलाश में थी, तो वो अभियुक्त जो है इधर बाइक से आता हुआ दिखाई दिया, और उसने पुलिस की जब गाड़ियाँ अचानक देखी, उसकी बाइक फिसल गई और उसने अवैध असलहे से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें उसको फायर आर्म से इंजरी से चोट आई है। गौरतलब है कि परसपुर थाना क्षेत्र के पसका गांव की रहने वाली 3 सगी बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया था। इस सनसनीखेज वारदात में तीनों बहनें झुलस गई थी, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक तरफा प्यार में एसिड फेंकने की बात सामने आई थी। आरोपी की पहचान होने के बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी। देर शाम स्वाट टीम ने आरोपी को करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के हुजूरपुर मोड़ के पास घेर लिया। पुलिस टीम को देखने के बाद आरोपी ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओम चंद की रिपोर्ट।